प्रसाद चढ़ा देते हैं तो उसके बाद आपको आपके वो मुंह में आ जाता है, आप ये बता देती हैं कि आपने ये प्रसाद चढ़ाया है और ये चख लिया है लड्डू गोपाल जी ने, कान्हा जी ने। हाँ, जैसे ठाकुर जी को हम प्रसाद रखते हैं, कोई सा ही प्रसाद रखेंगे, वो जो भी ग्रहण करेंगे वो ही हमारे मुंह में आता है, तो हमें पता चलता है कि ठाकुर जी ने प्रसाद खा लिया है, उसका टेस्ट पता चलता है, तभी हम बता पाते हैं कि ठाकुर जी ने जलेबी खाई या काजू खाया या नमकीन खाई। तो अभी हमारा कैमरा भी ऑन है, करोड़ों दर्शक भी देख रहे हैं और जो कृष्ण भक्त हैं वो आपको सराहते हैं, वो भी देख रहे हैं यहाँ पर, तो क्यों ना ये चमत्कार एक बार हम लाइव देख लें। हाँ, तो फिर जो हमने ठाकुर जी को प्रसाद लगाया था, अब हम पर्दा खोल रहे हैं ठाकुर जी की। जी ठीक है, हमारे कैमरा पर्सन आपको फॉलो करेंगे वहीं पर, जो भी प्रसाद वहां पर लगाया गया है ठाकुर जी को। ये देखिए, अब ये जो पर्दा है ये खुल रहा है। खुल ठाकुर जी ने जलेबी और नमकीन खाया था। जलेबी ये जलेबी खाई है जी, जो हमारे मुंह में भी आई थी, और ये समोसा। क्या इस वक्त भी आपके मुंह में प्रसाद का जो स्वाद है वो है और आप हमारे दर्शकों को दिखा सकती हैं? अगर जलेबी खाई है और आप ये दिखा रही हैं, तो फिर जैसा आपने पहले जिस वीडियो को हम देख रहे थे आपके, नहीं, नहीं। आपके